गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में अपन ने एक शब्द यूज किया था तुल्यांकी भार। तो अब इस पार्ट में अपन तुल्यांकी भार की डिटेल से बात करेंगे कि क्या तो इसकी परिभाषा है और कैसे अपन ये तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये है कि तुल्यांकी भार वह संख्या है जो यह बताती है कि भार की दृष्टि से कोई भी पदार्थ हाइड्रोजन के 1.008 भाग या फिर बोल दे ऑक्सीजन के 8 भाग या फिर बोल दे क्लोरीन के 35.5 भाग या हम बोले सिल्वर के 108 भाग से संयुक्त होता है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये एक्स कोई पदार्थ है। अब इस एक्स पदार्थ का कितना भाग हाइड्रोजन के 1.008 से संयुक्त होगा, ऑक्सीजन के 8 भाग से, क्लोरीन के 35.5 भाग से या सिल्वर के 108 भाग से। जितना सहयोग करेगा, मान लीजिए इस एक्स पदार्थ ने इसके साथ इसके इस भाग से, इसके 108 भाग से वाई भाग सहयोग कर रहा है, वाई मात्रा जो है इनके साथ सहयोग कर रही है, तो इस वाई जो मात्रा है इसका जो भार होगा वही क्या होगा, तुल्यांकी भार। इसलिए इसका नाम पड़ा है तुल्यांकी। तुलना हो रही है ना यहां पे कि कोई पदार्थ, किसी पदार्थ का जितना भाग इनके इतने इतने भाग से संयोग कर रहा है उतने भाग का जो भार होगा वही उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई, आई बात समझ में। अगर इस तुल्यांकी भार को अपन ग्राम में प्रदर्शित करें तो ये हो जाता है ग्राम तुल्यांकी भार। मतलब तुल्यांकी भार मान लीजिए ये है 60, अब इसके ग्राम लगा देंगे तो ये हो जाएगा ग्राम तुल्यांकी भार। ग्राम नहीं लगाएंगे तो ओनली तुल्यांकी भार रहेगा। अब अपन किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार अपन को निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनसे हम आसानी से जो है तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार किसका, अम्ल का। तो इसके लिए सूत्र हो गया हमारा अम्ल का अणु भार बटे सारकता। चाहे तो आप सारकता लिख लो यहां पे या फिर लिख लो H2 यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, मतलब प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, या फिर शॉर्ट में आप यहां लिख सकते हो सारकता। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अम्ल का अगर कोई, जैसे ये एग्जांपल है H2SO4। H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका अणु भार निकालो। हाइड्रोजन का एक होता है, राउंड फिगर में एक ले रहा हूं, वैसे तो 1.008 होता है। दो हाइड्रोजन है गुणा दो, प्लस सल्फर का कितना होता है
32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4 करो, सॉल्व करो इसको कितना आया, ये 2 हो गया 32, 34 हो गया, 16 चौक 64, 64 और 34 98 आ गया, ये 98 इसका अणुभार हो गया 98। अब प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या निकालो, तो इसमें कितने प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 2 है, ये जब आयनों में टूटेगा तो ये टूटेगा ना, ऐसे 2H प्लस और SO4 माइनस 2, तो 2 निकले यहां पे आयन, तो इसकी जो सारकता है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब आप सूत्र में रख कर संख्या तुल्यांक की बार आसानी से निकाल सकते हो कि 98 अम्ल का अणु भार बटे सारकता 2 भाग लगाया कितना आया, ये आ गया 49। ठीक है, तो H2SO4 का तुल्यांक की बार हो गया 49, और अगर इसको मैं ग्राम में प्रदर्शित कर दूं तो ये ग्राम तुल्यांक की भार हो गया H2SO4 का। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेते हैं अम्ल का तुल्यांक की भार। अगर सार का निकालना हो, किसी भी सार का हमें तुल्यांक की भार निकालना है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर देंगे अपन, और यहां सार आ जाएगा, क्षार का तुल्यांक की भार, तो सूत्र हो जाएगा क्षार का अनुभार बटे प्रतिस्थापी OH आयनों, आयन लिख दीजिए आप, आयनों की संख्या अर्थात अम्लता। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें, यहां पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं NaOH का, ये क्षार है, इसका तुल्यांक की भार अपन को निकालना है, तो इसका अणुभार निकालो पहले, तो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया, ये हो गया 24 प्लस 16 बराबर 0 क्योंकि 1 3 4 40 हो गया, इसका अणुभार हो गया 40। अब इसमें OH आयन कितने हैं, जब ये आयनों में टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस बनाएगा, तो एक ही तो है ये, यानी इसकी अम्लता कितनी हो गई, 1 हो गई। सूत्र में रखो 40, क्षार का अणुभार 40 बटे इसकी अम्लता कितनी है, 1, 1 का भाग 40 में लगाओ तो कितना आएगा, 40 ही आएगा, तो NaOH का तुल्यांक की भार 40 हो गया। अगर इसको ग्राम में प्रदर्शित करेंगे तो ये इसका ग्राम तुल्यांक की भार कहलाता है। तो इस तरीके से अपन क्षार का तुल्यांक की भार निकाल सकते हैं। चलो सेकंड पॉइंट था ये, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगर हमें किसी मूलक का तुल्यांक की भार निकालना है, मूलक का तुल्यांक की भार, ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा मूलक का अणुभार बटे संयोजकता। अब मूलक क्या होता है, तो मूलक तो मैंने आपको पहले ही बता चुका, ये दो प्रकार के होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो और जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। जैसे वो इसका एग्जाम्पल लू मैं, Ca प्लस 2 हो गया, ये मूलक है कैल्शियम, इसका एग्जाम्पल लू नेगेटिव वाला ऋणावेश का SO4 माइनस 2, तो ये ऋणावेश वाला मूलक हो गया। अब अगर इनका अपन को तुल्यांक की भार निकालना हो तो अपन ये सूत्र यूज करेंगे, मूलक का अणुभार बटे संयोजकता। चलो इन्हीं एग्जाम्पल से इनका अपन निकालते हैं, सबसे पहले इसका निकालते हैं तुल्यांक की भार, कैल्शियम का तुल्यांक की भार निकालते हैं।
तो कैल्शियम का अणु भार निकालो, कैल्शियम का अणु भार होता है 40, ठीक है, और इसकी संयोजकता इसके ऊपर शो हो रही है +2, यानी 2 है इसकी संयोजकता, तो यह हो जाएगा 40/2, तो कितना आ गया 20, अर्थात कैल्शियम जो मूलक है उसका तुल्यांक की भार हो गया 20, और इसको ग्राम में प्रदर्शित करेंगे तो ग्राम तुल्यांक की भार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर सल्फेट का बात करें SO4-2 का, तो इसका अणु भार बटे इसकी संयोजकता, तो इसका अणु भार अपन निकालते हैं सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 करो, 16 चौक 64, 64 और 32 कितना हो जाएगा, ये हो गया 96, तो 96/ संयोजकता, संयोजकता इसके ऊपर प्रदर्शित है 2, आपको प्लस माइनस नहीं लेना, केवल संयोजकता नंबर लेना है 2, तो 2 का भाग 96 में जब आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 48, ठीक है ना, तो इसका तुल्यांक की भार 48 हो गया, ग्राम में प्रदर्शित करेंगे तो ग्राम तुल्यांक की भार 48 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करें किसी यौगिक का तुल्यांक की भार अपन को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए यौगिक का अगर तुल्यांक की भार अपन को निकालना है तो उसके लिए अपन ये मूलक वाला जो प्रोसेस है ना यही फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई यौगिक है, उसका अपन को तुल्यांक की भार निकालना है, यौगिक का तुल्यांक की भार निकालना है। यौगिक का एग्जाम्पल लिया अपन ने, जैसे ये ले लिया यौगिक के लिए अपन ने MgSO4, ये यौगिक है, बताइए इसका तुल्यांक की भार। तो आपको सिंपल ही तरीका क्या करना, पहले इसको आयनों में तोड़ना है, यानी इसका मुक्त मूलक बनाना है, इसका मूलक बनाना है, तो ये आयनों में टूटेगा तो ये हो जाएगा Mg+2 और ये हो जाएगा SO4-2, और अब ये बन गए मूलक, क्या बन गए ये मूलक, और मूलक का तुल्यांक की भार अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने बात की है, मूलक का अणु भार बटे संयोजकता, तो इसका अणु भार मैग्नीशियम का बटे इसकी संयोजकता लिख देंगे, ठीक है, 2 है इसका अणु भार बटे इसकी संयोजकता लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। देखो इसका अणु भार होता है 24 बटे इसकी संयोजकता कितनी है 2, और इसका अणु भार कितना होता है 96 और इसकी संयोजकता कितनी है 2, इन दोनों को तोड़ा है अपन ने तो इनको जोड़ा भी है, इनको जोड़ना पड़ेगा टोटल यौगिक का निकालने के लिए, तो जोड़ना पड़ेगा ना इनको, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गया आपका 48, तो आपका आ जाएगा 12+48=60, तो MgSO4 का तुल्यांक की भार 60 हो गया, ग्राम में प्रदर्शित करेंगे तो ग्राम तुल्यांक की भार कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी पदार्थ का तुल्यांक की भार निकाल सकते हैं। अब दो इस चैप्टर में लास्ट जो छोटी छोटी चीजें बची हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में ये चैप्टर जो है इसका दी एंड हो गया, ठीक है। अगर छोटा सा एक तो ये है कि मोलरता और नॉर्मलता दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में जो संबंध है वो ये है कि मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांक की भार, यानी अगर मोलर द्रव्यमान इनमें से कोई चीज दी हुई है आपको, डाटा दिया हुआ है और कोई तीसरी चीज पूछ ले आपसे, मोलरता पूछ ले, बाकी सब चीज दी हुई है मोलरता पूछ ले तो आप निकाल सकते हो, ये सब दी हुई है और मोलर द्रव्यमान पूछ ले तो आप निकाल सकते हो, ये दोनों और ये दी हुई है और नॉर्मलता पूछ ले तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो इनमें ये संबंध है आपको याद होना चाहिए, मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान बराबर नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांक की भार। चलो ये तो हो गया मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, अगर आपसे मोलरता व मोललता में संबंध पूछ ले, किसमें मोलरता
वह मोललता में संबंध, तो इसमें संबंध होता है मोललता बटे मोललता बराबर विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ये ग्राम में आएगा, ये मिलीलीटर में, ठीक है। तो इनमें ये संबंध होता है। अगर इनमें चारों में तीन चीजें आपको दी हुई हो तो आप चौथी चीज निकाल सकते हो। मोललता बटे मोललता बराबर विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, ये मोललता और मोललता में संबंध है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन PPM, PPM, PPM। देखो क्या है, ये है किसी विलय की वह मात्रा, किसी भी विलय विलय की वह मात्रा जो कि विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित है, यानी विलयन के 10 लाख भाग में विलय की जो मात्रा होती है वो ये पार्ट पर मिलियन होता है। एक विलयन है, उस विलयन के 10 लाखवा जो भाग है उस 10 लाख भाग में कितने विलय की मात्रा है वो क्या होगी, पार्ट पर मिलियन। एक होता है पार्ट पर बिलियन, बिलियन होता है ये PPB, ठीक है ना। हम बात करें पार्ट पर मिलियन यानी 10 लाखवे भाग में, 10 लाखवे भाग का मतलब होता है 10 की घात 6, तो सूत्र बन जाएगा PPM बराबर WA विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, WA प्लस WB विलयन की मात्रा, तो तभी आएगी ना, विलय और विलायक मिलेंगे, इंटू 10 लाखवे भाग यानी 10 की घात 6। अगर आयतन में प्रतिशत पार्ट, अगर मैं ये बात करूं पार्ट्स पर बिलियन, तो पार्ट्स पर बिलियन में हो जाएगा बराबर विलय का आयतन, यहां पे आयतन की बात आ जाएगी, ठीक है ना। यानी विलयन के आयतन में, विलयन का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन प्लस VA VB इंटू यहां आ जाएगा 10 की घात 9, ठीक है। तो ये तो है मात्रा, इसलिए W लिया, इसमें पार्ट्स पर बिलियन में आएगा आयतन, इसलिए V लिया। ये 10 लाखवे भाग में 10 की घात 6 और ये 10 की घात 9 भाग में है। ये BB है, PPB है, ये PPM है, ठीक है स्टूडेंट।